तहरीक इंसाफ के जलसे को रोकने के लिए हुकूमती इकदाम को हतमी शक्ल दे दी गई। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में रेंजर्स, एफसी और पुलिस तैनात कर दी गई है। आपको बताएं कि मरकजी शाहराओं पर कंटेनर्स बदस्तूर मौजूद है, तहम कुछ मकामात पर कंटेनर्स हटाकर रास्ते खोल दिए गए हैं। ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं, हमारे नुमाइंदे यासिन नज़र वहाँ पर मौजूद है। यासिन, बताइएगा इस वक्त इस्लामाबाद की क्या सूरत हाल देख रहे हैं, कौन कौन से रास्ते इस वक्त बंद किए गए हैं? सुबह से हम मुख्तलिफ जगहों का विज़िट कर चुके हैं, देख चुके हैं। पहले तो रास्ते बंद किए गए थे, जैसे मेन शाहराह है कश्मीर हाईवे, जिसको श्रीनगर हाईवे आप कहते हैं, इस तरह जीटी रोड को जाने वाला रास्ता है, ये वाला मरी को जाने वाला रास्ता है, 26 नंबर जो केपी को इस्लामाबाद से मिलाता है। तो ये तमाम रास्ते आज सुबह पहले बंद किए गए थे, फिर मीडिया पर खबरें चली, लोगों की मुश्किल बढ़ी, तो उसके बाद दोबारा से इन रास्तों पर कंटेनर तो रखे गए हैं, लेकिन रास्ते खोल दिए गए हैं ताकि गाड़ियों की रवानी जो है वो मुमकिन हो सके, क्योंकि शहर इक्तदार में ज़्यादातर लोग जो हैं गैर दीगर इलाकों से आते हैं, तो वो कल से ही जब से खबरें चली थी तो उसके बाद यहाँ से चले गए थे, तो इसलिए यहाँ पे इतना ट्रैफिक की रवानी भी नहीं है, इतना रश भी नहीं है, इसलिए एक लाइन जो मौजूद है उसमें भी एक आराम से जो है ट्रैफिक चल रही है। दूसरी तरफ कंटेनर शहर के हर छोटी बड़ी शाहराह पर जो हैं वो मौजूद हैं, इसके साथ साथ मज़ीद कंटेनर जो हैं जहाँ जहाँ ज़रूरत है वो पहुँचा दी भी गए हैं, और कुछ जिस तरह मोटर वे है उसको तो कल से ही बंद किया गया है। होटल्स जो थे, हॉस्टल्स जो थे, उनको गुज़श्ता रात से खाली करवाया गया था। इसके अलावा ये भी बताया गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं उनकी कुछ तादाद जो है मुख्तलिफ MPs की तरफ से जो भिजवाए गए हैं वो इस्लामाबाद पहुँचे हैं, मुख्तलिफ जगहों पर रह रहे हैं, ये भी जो ज़राए हैं उन्होंने कन्फर्म किया, लेकिन कोई एक बड़ी तादाद जो है वो हमें यहाँ के मकामी कारकुनों की या इस तरह के लोगों की वो हमें नज़र नहीं आ रही। कल के लिए उन्होंने कहा है कि 1 बजे 0 पॉइंट का मकाम है उस पर जमे हो, लेकिन फिलहाल सूरत हाल ये है कि यहाँ शराहों पर रश तो उस तरह नहीं है, लेकिन शराह अक्सर जो वो बंद की गई थी अब दोबारा से उनको खोल दिया गया है। साथ साथ वज़ीर दाखला की तरफ से वाज़े दो टोक ये ऐलान किया गया है कि आंसू गैस की शेलिंग तो होगी, लेकिन साथ गिरफ्तारियां जो है वो भी होंगी, और पुलिस को सख्ती से हदायत की गई है कि जो भी लोग यहां का रुख करें, दफ़ा 144 के खिलाफ वर्जी करें, या कल के रोज़ जब हाई कोर्ट के डिसीजन तहरीक इंसाफ को रोकने के लिए हुकूमती इकदाम को हतमी शक्ल दे दी गई है। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में रेंजर्स, FC और पुलिस तैनात कर दी गई है। यासिन नज़र हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। दूसरी जानब आपको बताएंगे, PTI एहतजाज रोकने के लिए लाहौर के दाखिली और खारजी रास्ते बंद कर दिए गए हैं। इस वक्त हमारी नुमाइंदा हुमम्बर्ट मोटरवे बाबू साबू टोल प्लाजा पर मौजूद है, उनसे मज़ीद सूरत हाल जानेंगे। जी बताइएगा हुमा, वहाँ की क्या सूरत हाल देख रही हैं? जी बिल्कुल, PTI की एहतजाज की कॉल पर जैसे बस अड्डे इस वक्त बंद पड़े हुए हैं लाहौर में, उसी तरह हम लोग देख रहे हैं कि लाहौर के दाखिली और खारजी रास्ते जो हैं वो भी इस वक्त बंद कर दिए गए हैं, और ये सिर्फ इस वक्त नहीं बल्कि ये रात से ही बंद पड़े हुए हैं। और मैं इस वक्त मौजूद हूँ मोटरवे इंटरचेंज बाबू साबू के पास, और मेरी बैक साइड पर आप देख सकते हैं रिंग रोड है जहाँ पर कंटेनर्स लगा दिए गए हैं, और तमाम रोड जो है वो इस वक्त ब्लॉक है। वहाँ पर प्रिजन वैन जो है वो भी खड़ी हुई दिखाई दे रही है, और इसी के साथ साथ वहाँ पर हमें वाटर कैनन भी नज़र आ रहा है, और जितनी भी पुलिस की वैन्स हैं वो भी वहाँ पर दिखाई दे रही हैं। लेकिन अगर जैसे ही हम लोग अपनी राइट साइड की जानिब को मुड़ते हैं, जो कि बाबू साबू इंटरचेंज है, और जिस साइड पर जहाँ से लाहौर से इस्लामाबाद की जानिब लोग जो हैं वो जा सकते हैं, वो इस वक्त बंद पड़ी हुई हैं। वहाँ पर कंटेनर्स भी खड़े हैं, पुलिस की भारी नफरी जो है वो भी इस वक्त तैनात है, और इसी के साथ साथ पुलिस ने हाथों में डंडे भी पकड़े हुए हैं और शील्ड्स जो हैं उठाई हुई हैं। पुलिस की जानिब से यहाँ पर से जितने भी जो दूसरे इस्लामाबाद या दीगर रास्तों से आने वाली गाड़ियाँ हैं उनको अंदर आने तो दिया जा रहा है, लेकिन यहाँ से जाना जो है वो बिल्कुल नामुमकिन है, और लोग जो हैं वो इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशान होते जा रहे हैं। PTI एहतजाज रोकने के लिए लाहौर शहर के अंदर भी रास्तों को जज्वी तौर पर बंद किया गया है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे शौकत अली से। शौकत, बताइएगा इस वक्त आप कहाँ पर मौजूद हैं और लाहौर के कौन कौन से रास्ते इस वक्त सील हैं? जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कल एतवार के रोज़ इस्लामाबाद में एहतजाज की कॉल दे रखी है, और उनकी जानब से कहा गया है कि ये हतमी एहतजाज होगा, लेकिन हिफाजती इकदाम के पेश नज़र लाहौर के जो तमाम जो दाखिली और खारजी रास्ते हैं इनकी नाकाबंदी कर दी गई है। और हम इस वक्त मौजूद हैं यहाँ पर सगियाँ पुल के करीब, टोल प्लाजा है,
सगियां पुल का, इसके करीब एक कंटेनर लगा कर सड़क को बंद तो किया गया है लेकिन ट्रैफिक को महदूद कर दिया गया है, लेकिन तलाशी लेकर जाने की इजाज़त दी जा रही है। सबसे ज़्यादा क्योंकि शादियों का सीज़न है और शादियां बहुत ज़्यादा शहर में हो रही हैं और शहर से आने जाने वाले रास्तों पर भी जो बसें हैं वो भी शादियों की तकरीबात में जाना जाती हैं, उनको मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है और ये लग रहा है कि जो शादी की तकरीबात हैं वो तख़ीर का शिकार हो सकती हैं जी। पीटीआई एहतजाज के पेश नज़र पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में सड़कें और शाहराएं बंद कर दी गई हैं। रास्तों की बंदिश की वजह से आवाम शदीद परेशान दिखाई दे रहे हैं। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट के अंदर। तहरीक इंसाफ की एहतजाज की तैयारी, हुकूमत के एहतजाज रोकने के इकदाम, जगह जगह रास्तों की बंदिश से शहरी परेशान हो गए। गुजरावाला के दाखिले और खारजी रास्ते कंटेनर लगाकर सील कर दिए गए, बस अड्डे भी गैर मुइना मुद्दत के लिए बंद हैं। फारुखाबाद नहर पर भी कंटेनर्स लग गए, रास्ते बंद हो गए। ये तो पार्टी को लड़ाई है, इनकी आपस में लड़ते रहे लेकिन आवाम को सामना करना चाहिए। ये जो इन्होंने रोड बंद किए हुए हैं तो हुकूमत को चाहिए कि अपने मफादात को एक साइड पर रखते हुए आवाम की जो है ना वो मुश्किल। चकवाल में भी राबता सड़कें बंद हैं, मोटरवे पर कंटेनर लगा दिए गए। वजीराबाद में चनाब टूर प्लाजा, हेड खान की और हेड खादराबाद के मकाम पर रास्तों को बंद कर दिया गया, एम्बुलेंसेज और बारातें में। टैक्सला में पॉइंट मरगला जीटी रोड बंद कर दिया गया। शरफपुर शरीफ में भी हालात मुख्तलिफ नहीं, मोटरवे M3 इंटरचेंज बंद है। हेड मराला में भी सड़कें बंद होने से आवाम मुश्किलात का शिकार है।